भगवान शिव के डमरू का भी एक रहस्य है। क्यों रखते हैं भगवान भोलेनाथ अपने साथ डमरू? जानेंगे भोलेनाथ के साथ हमेशा रहने वाले डमरू के महत्व के बारे में और उसके रहस्यों के बारे में। हिंदू मान्यता के अनुसार ध्वनि और स्वच्छ प्रकाश से ही सृष्टि का संचार हुआ है। आत्मा इस जगत का कारण है। हिंदू धर्म की कुछ ध्वनियों को रहस्यमय और पवित्र माना गया है। देवों के देव महादेव सभी देवों में सर्वशक्तिमान और सरल स्वभाव के हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने शरीर पर जो वस्तुएं धारण करते हैं, जैसे जटाओं में गंगा, सर पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू, शरीर पर रुद्राक्ष, इन्हें भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। इनके पीछे का ही बहुत बड़ा कारण है। आइए जानते हैं भोलेनाथ के साथ हमेशा रहने वाले डमरू के बारे में और इसके रहस्यों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं महादेव के डमरू के बारे में। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत के समय विद्या की देवी सरस्वती अवतरित हुई, तब उनकी वाणी संगीत रहित थी। शास्त्रों के अनुसार तब महादेव ने 14 बार डमरू बजाकर 14 तरह की धुनि निकाली थी। पुराणों में इन्हें मंत्र माना गया है। कहते हैं कि डमरू की धुन में सृजन और विध्वंस दोनों का ही रहस्य छुपा हुआ है। भगवान शिव ने अपनी डमरू की धुन से तांडव संगीत और नृत्य की रचना की है और तभी से उन्हें संगीत का प्रवर्तक भी माना जाने लगा है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि भगवान शिव हमेशा ध्यान और समाधि में ही लीन रहते हैं और डमरू की धुन शिव की कृपा जिस पर होने वाली हो उसे ऐसे ही सुनाई देने लगती है। शिव पुराण में बताया गया है कि देवी सती और देवी पार्वती को यह डमरू की धुन भी सुनाई दी थी। माना जाता है कि बड़े बड़े साधु और तपस्वी भी इसी तरह से इससे अनुभवी हुए हैं। कई शिव भक्तों को भी इसका अनुभव होता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव के प्रकट होने से पहले ही उनकी डमरू की धुन सुनाई देने लगती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर स्वप्न में भी डमरू की धुन सुनाई दे तो इसे भी बड़ा शुभ संकेत माना जाता है और घर के मंदिर में भी डमरू का होना शुभ माना गया है। घर में डमरू रखने के लाभ। कहा जाता है कि अगर डमरू बजाकर शिव आराधना की जाए तो कभी भी अमंगल नहीं होता। इसकी धुनी से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चों के कमरे में डमरू रखने से उन पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता और उनकी प्रगति में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। कहा जाता है कि डमरू की धुन से निरंतर ओम की धारा निकलती रहती है। उसे बजाने से और भी चमत्कारी मंत्रों का उच्चारण होता है। इसकी ध्वनि से जीवन शक्ति भी बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। क्या है डमरू? कहा जाता है कि डमरू की ध्वनि निर्भग्य और शांत बनाती है। इसकी ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है, यह तनाव को भी दूर करने में मदद करती है और मन शांत होता है। जानकारी के अनुसार डमरू का हिंदू, बौद्ध और तिब्बत में भी बहुत महत्व माना गया है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। डमरू बजाने का लाभ। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के डमरू से कुछ शक्तिशाली और अचूक मंत्र निकले हैं। यह भी कहा जाता है कि यह मंत्र कई बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्रों को जपने के बाद बिच्छू या सर्प के काटे का जहर भी उतर जाता है, ऊपरी बाधाएं भी हट जाते हैं। माना जाता है कि डमरू की धुन की जैसी हमारे भीतर भी धुनि उत्पन्न होती है, इसे आ या और मा या ओम कहते हैं। हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड में डमरू की धुनि मिली हुई है।